नमस्कार। एक नई दिव्यांगता की श्रेणी जुड़ी RPWD एक्ट 2016 में। ड्वार्फिज्म या बौनापन, वामन विष्णु जी का पांचवा अवतार, महाबली राजा हुए, कहते हैं कि पृथ्वी के स्वर्ग के। जब राजा हुए तो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ की बिना किसी मतलब के आप कोई एक काम कर रहे हो हित के लिए, और दानी भी थे, और दान का मतलब वो कि आप अपना प्रिय चीज दे सकें। अहंकार थोड़ा आ गया था, इसलिए सोचे कि कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, तुम मांग के देखो तो सही। तो नर्मदा के तट पर राजा महाबली, जिनका राजधानी केरल में हुआ करता था, नर्मदा के तट यानी कि गुजरात महाराष्ट्र उस तरफ यज्ञ कर रहे हैं, और बिहार में जन्मा हुआ एक वामन एक छत्री और एक कमंडल लिया हुआ आता है यज्ञशाला तक। प्रभावशाली ब्राह्मण बौना, लेकिन प्रभावशाली। महाराजा बलि की बेटी देखकर समझती कि अरे काश ऐसा बच्चा मुझे ना होता, इतना प्रभावशाली। तो सब हाथ जोड़कर पहुंचते हैं पास कि विप्रवर क्यों आए, क्या चाहिए, कैसे आना हुआ, हाथ पैर धुलाए बिठाए। तब तक राजा महाबली के राजगुरु हुए शुक्राचार्य, असुरों के राजगुरु शुक्राचार्य, देवताओं के बृहस्पति, एक ही जगह के पढ़े हुए दोनों। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि ना, ये वामन विष्णु के सिवा और कोई नहीं, महाराज धोखे में ना आए। महाराज महाबली कहते हैं कि अब मैं यज्ञ पे हूं, हिसाब किताब और गणित नहीं देखूंगा, अगर विष्णु भी द्वार पर आए हैं तो जो मांगेंगे दूंगा, और अगर विष्णु ही आ गए हैं तो और बचा क्या। कहते हैं ना कि चल आज बांट लेते हैं सारा जहां, चल आज बांट लेते हैं सारा जहां, और सब तेरा और तू मेरा, तो विष्णु ही आ गए हैं। तो विष्णु के हाथ पर धुलाए और कहा कि क्या चाहिए। तो विष्णु कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मांगना भी सही नहीं है, ना मेरे हित में ना आपके हित में, तो मैं मांगूंगा उतना ही जितना मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए मेरे पग के हिसाब से, जहां कि मैं बैठकर निर्विघ्न तपस्या कर सकूं। महाराजा बलि बोले दिया, शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, लेकिन महाराजा बलि सुनते नहीं है, शापित भी हुए शुक्राचार्य के द्वारा। विष्णु भी मानते नहीं है, कहते हैं कि जब तक संकल्प ना हो, संकल्प यानी कि शंख के अंदर इस पार से उस पार पानी अगर ना जाए और बात ना कही जाए तो संकल्प नहीं होगी। तो शंख लाया जाता है और विष्णु कुश की एक अंगूठी पहनते हैं, महाराजा बलि कुश की एक अंगूठी पहनते हैं, जल डाला जाता है ताकि वो शंख के आर पार हो जाए। तो यूं ही जल डाला जाता है, जैसे जल डाला जाता है जल पार ना हो जाए, इसलिए शुक्राचार्य एक मक्खी का रूप लेते हैं और शंख के अंदर चले जाते हैं। विष्णु को समझ में नहीं आता कि शंख क्यों बंद हो गया, फिर चाल समझते हैं और उस कुश की अंगूठी को शंख के अंदर खड़का देते हैं। तो वो कुश शुक्राचार्य का एक आंख फोड़ जाता है, इसलिए उन्हें एकाक्ष भी बोला जाता है, और दूसरे आंख में कमजोरी दे देता है। तो शुक्राचार्य लो विजन हुए, इसलिए शुक्राचार्य भागते हैं उस शंख के अंदर से और जल आर पार हो जाता है। विष्णु कहते हैं अब मुझे 3 पग भूमि चाहिए, पहला पग निकालते हैं और वो विस्तृत हो जाता है पूरे पृथ्वी के ऊपर। महाराजा बलि को कहते हैं पृथ्वी तो तुम्हारी गई, तो दूसरा पग। महाराजा बलि बोलते हैं आकाश, तो विष्णु अपनी पैर निकालते हैं और आकाश गया। विष्णु बोलते हैं अब तीसरा पद बाकी है। तो महाराजा बलि पूछते हैं कि अच्छा ब्राह्मण देवता, ये बताएं कि दान देने वाला और दान में दिया हुआ चीज, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। विष्णु मुस्कुरा के बोलते हैं ये दोनों अलग हैं, ये दिया हुआ और देने वाला दोनों अलग हैं। तो बलि हाथ जोड़ता और कहता है कि अब तो फिर मेरा ये सर बाकी है,
इतनी भूमि तो अभी भी बाकी है। विष्णु मुस्कुराते हैं और अपना पैर महाबली के सर पे रखते हैं और पाताल भेज देते हैं उसको। महाराजा बलि ये बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक ख्वाहिश रह गई है, ये राज्य मेरा है, साल में एक बार मैं कुछ दिनों के लिए देखना चाहूँगा कि मेरा राज्य कैसा है, साल में एक बार। विष्णु कहते हैं बिल्कुल, उन दिनों मैं तुम्हारे राज्य पाताल लोक का द्वारपाल स्वयं बनूंगा। और जो पर्व मनाया जाता है ओनम, जिसमें कि फ्लोरल कारपेट्स होते हैं, बोट रेस होते हैं, और महाराजा बलि आते हैं ना छतरी लेके, तो वो पाताल से अपने राजधानी को देखने के लिए आते हैं, और उन दिनों विष्णु चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं महाराजा बलि के। ये है